थिएटर ने अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे जो कि जहां यूट्यूब का बहुत मोटा पैसा आ रहा है। ब्लॉगर फ्रॉम यूके 19 कमाई निकालते हैं और चलते हैं अब अंदर प्रसाद लेके कैमरामैन तनुज के साथ। मैं हूँ कैमरामैन। मॉर्निंग दगड़ियो, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। और तनुज पहुँच चुका है घर में, चाय की चुस्की ले रहा है। लेट करा दी ना, जिससे चाय पी रहा हूँ घर पर। चाय पिलानी पड़ रही है, उन्हें गुस्सा हो जाता है। तो आज हम लोग निकल रहे हैं नैनीताल की साइड। तो आप देख रहे हैं हरी सब्जी का दुश्मन, इसको कोई भी सब्जी खिला दो, इसको कल ही चिकन चाहिए। तो गाइस हम जाने से पहले नैनीताल, बट जेब में पैसा ही नहीं है, इसलिए पहले आए हैं यूट्यूब का मनी निकालने। जेब ने अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे जो कि जहां यूट्यूब का बहुत मोटा पैसा आ रहा है। सर कितना निकाल रहा है? 1.5-2 लाख रुपए निकाल। ब्लॉगर फ्रॉम यूके 19 कमाई निकालते हैं। ऐसा पार्टी होगी। तभी चलते हैं जिस काम के लिए पैसे निकालने पहले वो काम करते हैं। काफी लेट हो गया है, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम नैनीताल। हमें मिले हैं बड़े भैया हमारे, प्रकाश बोड़ाई जी। बढ़िया, फाइनली रामनगर को छोड़ दिया है। रामनगर का जो काम था कंप्लीट करके अब निकलते हैं यहाँ से आगे को नैनीताल की तरफ। काफी लेट हो गया वैसे तो, देखो कब तक पहुँचते हैं। ये है रास्ता जहाँ से हम नैनीताल के लिए कटेंगे। सामने वाला रास्ता आपका हल्द्वानी को जा रहा है और ये रास्ता जा रहा है हमारा नैनीताल को। चलते हैं यहाँ से ऊपर। ये है एनिमल क्रॉसिंग, ये स्पेशली एनिमल्स के लिए बना रखा है ताकि रोड पे ना आ पाए और कोई एक्सीडेंट ना हो इनका। सहीदा ताल में पहुंच चुके हैं। चल रहा पकड़, मैं बैग से ड्रोन निकालता हूँ। I'm just sitting here, I got time। तो गाइस अभी आपने देखा ये सस्ता ड्रोन शॉट था हमारा, बहुत सस्ता ड्रोन शॉट था। और ठंड बहुत बढ़ चुकी है, हवा चल रही ठंडी ठंडी, सोचा नहीं था इससे होगा। खाली स्वेटर में आए हैं, अभी नैनीताल पहुंचे नहीं है, अभी इतना ठंड बढ़ चुका है। देखो वहाँ कितना ठंडा होता है, इसको इतना ठंडा लग रहा है कि ये बाइक को छू भी नहीं रहा है। It's clear to see from up here, the world seems small। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल। बहुत नैनीताल में बहुत ज्यादा ठंड है, इतनी ठंड होगी बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। हम लोग नैनीताल में एंटर हो रहे हैं और इससे पहले पड़ता है ये हाई कोर्ट। तो आप सामने जो ये बिल्डिंग देख रहे होंगे ये पूरी ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। नैनीताल पहुंचते ही आपको सबसे पहले जो फेस करना पड़ेगा वो है जाम। आप चाहे गर्मियों में आए, जाड़ों में आए, यहाँ हमेशा जाम लगा हुआ मिलेगा। और मान लो टीचर्स बगल में है नैनीताल जी तो फेमस। मॉल रोड जो है वो बेसिकली फेमस है शॉपिंग के लिए और रेस्टोरेंट्स के लिए। यहाँ काफी अच्छे आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। एक चर्च है इस रस्ते में जो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, कैथोलिक चर्च। सो आज हमारी किस्मत से पूरी नैनीताल रोड पूरी मॉल रोड जो है वो खाली मिली है क्योंकि आज ऑफ तो है शायद। यहाँ काफी सारी दुकानें बंद भी हैं। यहाँ पर काफी प्यारा लगता है जब यहाँ पर पेड़ में पत्तियां होती है ब्राउन है और बर्फ गिरी होती है। तो गाइज ये है हल्द्वानी वाला रास्ता और यहाँ से हनुमानगढ़ी है 3 किलोमीटर। फाइनली अब हम लोग चल रहे हैं अब हनुमानगढ़ी की ओर, क्योंकि हमें देर भी हो चुकी है, 2 बज चुके हैं, फिर हमने वापस भी लौटना है। तो इस रूट से आप आएंगे हल्द्वानी वाले रूट से तो आपको काफी पास पड़ेगा। हम लोग रामनगर रहते हैं तो हम लोग को थोड़ा उल्टा पड़ा है, लेकिन हम सोचे थे पहले हल्द्वानी वाले रास्ते से लेकिन हमें काफी लंबा पड़ जाता, तो हम लोग पहले नैनीताल आए। नैनीताल से हम सीधे अब हनुमानगढ़ी की ओर जा रहे हैं। नैनीताल बेसिकली सीजन्स में फुल रहता है तो यहाँ बुकिंग पहले हो जाती है, एक एक दो दो महीने पहले यहाँ बुकिंग हो जाती है। और सीजन के टाइम पे आपको यहाँ रूम्स नहीं मिलेंगे, तो अगर आप आते हैं तो आप प्लान कर प्री प्लान करके आइए और रूम्स वगैरह बुक करके आइए।
तो अभी हम लोग 1 किलोमीटर पीछे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर से। हनुमानगढ़ी मंदिर फेमस बेसिकली बाबा नीम करौली जी की वजह से हुआ। बाबा नीम करौली जी ने इस मंदिर की नींव रखी थी और ये मंदिर फेमस लोकल्स के बीच में इस वजह से भी हुआ कि यहाँ बाबा नीम करौली जी का एक चमत्कार है जो हमेशा से माना जाता है। कहा जाता है कि जब एक टाइम पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुटी थी तो बाबा जी ने कहा था कि प्रसाद बनाइए, और प्रसाद बनाने के लिए उस टाइम पे ना घी था और ना ही तेल था, तो बाबा जी ने एक कढ़ाई रखी और कढ़ाई में एक बाल्टी जितना पानी उसमें डाला गया और कुछ टाइम में वो पानी घी में बदल गया और उसके बाद फिर प्रसाद बनाया गया और सारे भक्तों में बांटा गया। तो उसी चमत्कार को देखते हुए यहाँ के लोकल के आसपास लोगों के बीच में बाबा नीम करौली जी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो अब चलते हैं मंदिर की ओर और आपसे मिलते हैं सीधे मंदिर में। ये रोड जा रही है और फिलहाल इस रोड से अभी हमने ऊपर को जाना है, तो यहाँ पर मंदिर है, हम लोग ने यहाँ पहुँचना है अभी। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी वाले रास्ते में। ये ऊपर को जो रास्ता जा रहा है हनुमानगढ़ी का है और ये वाली जो रोड आ रही है हल्द्वानी नैनीताल वाली जो मेन रोड है ये वो है। तो हम चलते हैं यहाँ से ऊपर। 1.5 घंटे के ट्रैवल करने के बाद हम लोग हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ये मंदिर है और ये इसका रास्ता है जहाँ से आप ऊपर चढ़ेंगे। फिलहाल मेरे पीछे आने हैं जहाँ आप प्रसाद ले सकते हैं और काफी लोग आ रखे हैं, बहुत सारी गाड़ियां देख रहे होंगे आप पीछे। तो चलते हैं ऊपर मंदिर में दर्शन करते हैं। प्रसाद पैक, ये है एंट्री गेट हनुमानगढ़ी मंदिर का और चलते हैं अब अंदर प्रसाद लेके। प्रसाद हमने ले लिया है, चलते हैं अंदर। और बेसिकली सुनने में आ रहा है कि अंदर फोटोग्राफी वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, तो हम लोग अंदर जाते हैं देखते हैं क्या सीन होता है। नहीं होगा तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। गाइस जैसा स्टार्टिंग में बताया गया था कि अंदर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी आप कुछ नहीं कर सकते, आप लोग आइए यहाँ दर्शन करिए। काफ़ी प्यारा मंदिर है, आपको यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, राम जी की मूर्ति मिलेगी, अलग से एक शिवालय है, भरत जी की मूर्ति, माँ अंजना की मूर्ति, काफ़ी प्यारे तरीके से मंदिर सजा रखा है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी और स्वयं बाबा नीम करौली जी ने करी थी। 1952 में यहाँ पर हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति स्थापित की गई थी, लेकिन 1953 में यहाँ पर हनुमान जी की बड़ी मूर्ति स्थापित की जो कि मेन अभी आपको मंदिर के अंदर घुसते ही आपको दिख जाएगी। और फिर उसके बाद फिर 1954 में यहाँ पर शिवालय बनाया गया था और 1955 या 1956 ऑलमोस्ट में यहाँ पर राम जी की मूर्ति भी बनाई गई थी। तो आप लोग अगर नैनीताल घूमने आते हैं तो हनुमानगढ़ी का दर्शन करने जरूर आएगी, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर दूर है बस, आप आराम से आ सकते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस लोकेशन, मैं आदि तिवारी कैमरामैन तनुज के साथ, मैं हूँ कैमरामैन ब्लॉगर फ्रॉम मिकी 19 चैनल। दो ही दुकानें हैं फिलहाल ऑलमोस्ट यहाँ पर, अभी यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ नाश्ता पानी कर सकते हैं। तो ऑल सेट, हम लोग अब चल रहे हैं अपने वापस नैनीताल की ओर, नैनीताल घूमते हैं आज। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. हम लोग पहुंचे हैं अभी भोटिया मार्केट के पास में, अभी चलते हैं भोटिया मार्केट और खाते हैं यहाँ के बेस्ट मोमोज। चलिए मिलते हैं आपसे नीचे सीधे मार्केट। भूख लग गई रे, ठंड के साथ भूख भी लग गई। तो गाइस शाम के हो चुके हैं 5:30 और अब हम लोग निकल रहे हैं अपनी मामी के घर की ओर। आज हमने नैनीताल ही रुकना है क्योंकि नैनीताल काफ़ी बड़ी जगह है, तो इसको हम एक एक धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना।